तो भैया ये लोग ने लूट लिया हमका, फेल दिया हमारा पैसा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक और नए ब्लॉग में। तो भाई आज हम लोग आपको दिखाने वाले प्रयागराज का सिविल लाइंस। तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा इस ब्लॉग में भाई, क्योंकि यहाँ पे यार एक से एक ब्रांड हैं, एक से एक स्टोर्स हैं, हर तरह के ब्रांड हैं भाई। मतलब बड़े से बड़े ब्रांड, बड़े से बड़े शॉपिंग मॉल, सारी चीज़ें यहीं पर हैं। तो वीडियो को पूरा देखो यार, मस्ती करो हमारे साथ में, क्यों सचिन भाई? तो ये आप इस वीडियो में जो देख रहे हैं, ये पूरा एरिया सिविल लाइंस का है। और मैं आपको बता दूं कि सिविल लाइंस ही एकमात्र ऐसा एरिया है, एक ऐसी प्लेस है हमारे प्रयागराज में, जहाँ पे आपको सारे के सारे बड़े से बड़े ब्रांड्स देखने को मिलेंगे। मेरे सामने आप देख रहे हैं धे IAS, जो कि बहुत ही मशहूर फेमस कोचिंग इंस्टीट्यूट है, वो भी यहीं पर है। डोमिनोज जैसा, जो पिज़्ज़ा के लिए काफ़ी फेमस है, डोमिनोज भी आप देख रहे हो एकदम सामने मेरे, डोमिनोज है। US पोलो करके एक बहुत अच्छा ब्रांड है, वो भी सामने आप देख रहे हो। मतलब ऐसे तमाम बहुत सारे ऐसे ब्रांड हैं जिनके आपको नाम तक नहीं पता होगा, वो सारे ब्रांड्स अवेलेबल हैं। और सिविल लाइंस बहुत छोटा नहीं भाई, सिविल लाइंस बहुत ज़्यादा बड़ा है। एरिया तो बहुत बड़ा है। और देखिए आप, फेमस सिनेमा PVR जैसा सिनेमा है, विनायक सिटी सेंटर के अंदर है ये PVR सिनेमा। तो भाई अभी सचिन अपना कहीं बिजी है और मतलब यार एक से एक यहाँ शोरूम है। कोई कार लेना, मारुति सुजुकी हो या हीरो हो, हर तरह के शोरूम, हर तरह के मतलब आपको यहाँ सिविल लाइन्स में शॉप्स देखने को मिल जाएंगे, शोरूम देखने को मिल जाएंगे, बड़े बड़े आपको शॉपिंग सेंटर्स यहाँ पे हैं। अभी आप दिखा ही रहो मैं आपको, और देखते रहो, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। और चश्मा ये मेरे ऊपर कैसा लग रहा है वो कमेंट बॉक्स में थोड़ा बता देना। तो यार अगर आपको ब्रांडेड चीज़ें पसंद है, आप ब्रांड ब्रांड करने वाले आदमी हो, तो बस सीधा मुंह उठाइए और सीधा सिविल लाइन्स आइए। सिविल लाइन्स में आपको हर तरह के एकदम जबरदस्त ब्रांड देखने को मिल जाएगा। देखा ना, प्रचार वचार तगड़ा किया जाता है यहाँ। फिर ये देख रहे श्री राधे, जो कि भाई कपड़ों के लिए बहुत मशहूर है, वो भी आपको यहाँ ब्रांड देख रहे हैं। पूरी बिल्डिंग ही बना दी गई है। फिर सामने आप देखिए, मेरे बगल में आपको देखने को मिलेगा ब्लैकबेरी है। ऐसा तमाम इतने सारे ब्रांड है भाई साहब कि आप पागल हो जाएंगे देखते देखते, ब्रांड पढ़ते पढ़ते, इतने ब्रांड हैं जिनको आपको नामों नहीं पता होगा, वो सारे ब्रांड हैं यहाँ पे। बहुत सारी कोचिंग्स भी हैं, जैसे आप IAS प्रिपरेशन कर रहे हो, नीट किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो, बहुत सारी यहाँ पे मतलब इसको कहते हैं बहुत बड़ी बड़ी जो कोचिंग्स इंस्टीट्यूट्स हैं, सब बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं यहाँ पे, आप एक बार पता कर सकते हो यहाँ पे आके। मेरे सामने ही देख सकते हो यार, कितना बेहतरीन सा बनाया गया है इसको, घोस्ट राइडर इतना ज़बरदस्त लग रहा है एकदम लुक इसका, बुलेट पे बाइट एकदम फर्स्ट क्लास, मस्त एकदम। और सामने ही मेरे मनावर का भी है शोरूम, यहाँ कैनन कैमरा वैमरा खरीद सकते हैं आप लोग। इधर मेरे सामने आप देख रहे हो वर्ल्ड ऑफ टाइटन फास्टैग। तो भाई आपको ऐसा कोई ऐसा ब्रांड यहाँ पे मतलब छूटेगा नहीं, सारा आपको ब्रांड देगा। वाइन शॉप भी है भाई, समझदार लोग समझ जाएँ। सामने फेमस ब्रांड है पार्क एवेन्यू, इसका स्प्रे भी आता है और आपको ब्लेजर्स लेजर चीज के मिल जाते हैं। सामने है रियलमी, सैमसंग, मतलब भाई सिविल लाइन्स ही एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको ब्रांड का छूट मतलब बाज़ार, ब्रांड बाज़ार कह दो भैया, यहाँ मतलब एक भी ब्रांड आपको छूटेगा नहीं। तो ड्यू देख रहे हैं, स्लीपवेल है, मतलब भाई हर तरह के ब्रांड्स अवेलेबल हैं। आप सामने मेरे ये है रेमंड शॉप है, हमने आप जो चौराहा देख रहे हो उसको हम सुभाष चौराहा के नाम से जानते हैं, और इसी के पास में एकदम चर्च बगल है इंदिरा भवन, जो कि इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के बहुत ज़्यादा फेमस है। और यहीं से आप जब राइट टर्न लेते हो, या तो भाई अगर आप इस साइड से आ रहे हो तो राइट टर्न लेना पड़ेगा, और इधर से आओगे आपको तो लेफ़्ट टर्न लेना पड़ेगा, और इधर आपको पूरा का पूरा ब्रांड के जो शोरूम्स हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। और इधर ही ये अली रोड पे आपको विनायक सिटी सेंटर, जिसको हम PVR के नाम से जानते हैं, वो भी आपको इधर ही देखने को मिलेगा। तो भाई ये रहा लेंटेस मल्टीप्लेक्स, और एकदम ऊपर आप देखोगे यहाँ पे बिग बाज़ार का कुछ समय पहले लगा हुआ था तगड़े से, अब तो एकदम निकाल दिया गया क्योंकि बंद हो गया पता नहीं किस रीज़न से। नहीं तो यहाँ पे भाई, यहाँ पे आप जो सन्नाटा देख रहे हो ना, यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती थी।
भाई इतना शॉपिंग सेंटर है भाई, तो उस वजह से। और आज के टाइम पे लोग इतना बिजी हैं, इतना ध्यान नहीं देते भाई, ये नहीं तो दूसरा सही, बहुत सारे शॉपिंग मॉल्स हैं। तो यार बस बुरा लगता है भाई कि इतना अच्छा शॉपिंग मॉल, ये शायद मेरे हिसाब से दूसरा शॉपिंग मॉल था प्रयागराज में जो कि बंद हो गया था। जहाँ पे बिग बाज़ार था उसी के जस्ट बगल में ये भाई साहब छोला भटूरा लगाते हैं, और अभी आज इनका ही हम छोला भटूरा टेस्ट करने जा रहे हैं। 30 रुपीज़ में दे रहे हैं ये छोला भटूरा, और हाफ चावल जो छोला है शायद 20 रुपीज़। तो अभी देखते हैं, इनका टेस्ट करते हैं और आपको भी टेस्ट बताते हैं, और टेस्ट का रिव्यू देंगे सचिन भाई। क्यों भाई, तो टेस्ट करने के बाद ही पता चलेगा। तो चलिए देखते हैं। तो मेरे सामने आ चुका है छोला एंड भटूरा, अभी चलते हैं। सचिन भाई ट्राई करके बताइए, सचिन भाई ट्राई करिए और बताइए। आपका भी आ जाए तो ट्राई करते हैं। सचिन भाई की जल्द ही आँख का ऑपरेशन होने वाला है। क्या सचिन भाई मुस्कुराहट, चेहरे पे क्या मुस्कुराहट है, क्या बात है। तो भाई सचिन कैसा लगा आपकी टेस्ट बर्ड्स, आपको कैसा टेस्ट दे रही हैं? ठीक ठाक है, खाने लायक है। तो चलिए गाइस मैं भी टेस्ट करता हूँ, अपना भी रिव्यू बताता हूँ। सचिन भाई कह रहे ठीक है, सही है, मतलब पूरा एकदम खुल के नहीं बोले, सर शर्मा रहे, शर्मीले हैं थोड़ा ये। तो चलिए देखते हैं। हाँ भाई 10 बजे दुकान खुल जाती है इनकी, तो यार अगर आप आ रहे हैं बिग बाज़ार की तरफ तो एक बार ज़रूर विज़िट करिएगा। बहुत ही मतलब जेन्युइन टेस्ट है, बहुत ज़्यादा मसाला नहीं, एकदम नॉर्मल अच्छा टेस्ट है छोला भटूरा। अगर आपको खाना है सिविल लाइन में तो एक बार आके इनके छोले भटूरे ज़रूर टेस्ट करिएगा। जा रहे हैं अभी हम लोग, देखते हैं स्वेटर वेटर, भाई ठंडी आ गई, थोड़ा सोचा स्वेटर वेटर ले लूँ। बहुत बड़ा मार्केट लगा है, सचिन के साथ जा रहे हैं। अभी हम और सचिन स्वेटर खरीदे हैं, और स्वेटर पर लग रहा है हम लोग ठग लिया क्या? ठग लिया यार, बताया कसम से। तो हम कभी मतलब शॉपिंग वॉपिंग करते हैं नहीं, कपड़ा वपड़ा मतलब हमें शौक ही नहीं बिल्कुल, घर वाले जो खरीदते हैं वही पहन लेते हैं। हमें शौक है सिर्फ दो ही चीज़ का, एक तो भाई फ़ोन का, एक जूतों का है, और हमें कपड़ों वपड़ों नहीं, जो मिला वो पहन लेते हैं। और सचिन भाई कहना है ठग लिया, वही ब्लू वाला स्वेटर मैंने आपको दिखाया, जो वही 850 रुपये लिया है भाई। तो आप बताओ कि कितना होना चाहिए था उसका रेट। अच्छी लगी होगी वीडियो, अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब करना भाई, बस बोलना सपोर्ट करो यार भाई, बहुत मेहनत करते हैं रोज, बहुत पैसा बर्बाद कर रहे हैं रोज, चलो सपोर्ट करते रहो, आप लोग का सपोर्ट रहा तो मचाएंगे यार। तब तक के लिए बाबा एस।